हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड हैप्पी। तो जैसे कि अभी चारों तरफ वायरल फीवर, इन्फेक्शंस और लोग इस तरह की चीजों से परेशान हैं, तो मैं आज आपको ऐसे अजवाइन टी के बारे में बताऊंगी जिसको कि अगर आप अपने नॉर्मल टी से स्विच करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, साथ में किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने का भी चांस आपको ना के बराबर हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट ऐसा बताऊंगी जो अगर कोई भी लेडीज देख रही है तो प्लीज जरूर देखिएगा, और अगर कोई जेंट्स देख रहा है तो जितने भी आपकी लेडीज फ्रेंड्स हैं, वाइफ है, सिस्टर है, सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं अजवाइन टी मेकिंग प्रोसेस भी शेयर करूंगी, वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, अच्छी लगेगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अजवाइन टी को अगर हम सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो इसके बहुत सारे हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है बूस्ट आवर इम्यूनिटी। अजवाइन एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है तो हमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। इसके साथ साथ आपको ये सर्दी, जुखाम, खांसी होने से भी प्रिवेंट करता है। सेकेंड इज गुड फॉर एस्थमा पेशेंट। अजवाइन जो है वो एस्थमा पेशेंट्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके स्टीम से ही नाक वगैरह पूरे खुल जाते हैं और अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप अजवाइन टी को ल्यूक वार्म करके उसमें हनी मिक्स करके लेते हैं तो अस्थमा अटैक में भी ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। थर्ड इज गुड फॉर ब्रेन एंड हार्ट। अजवाइन के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे ब्रेन एंड हार्ट दोनों के लिए काफी अच्छा होता है। ये हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है एंड ब्रेन में इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है। इसके साथ साथ ये हमें ब्रेन ट्यूमर होने से भी प्रिवेंट करता है। फोर्थ इज गुड फॉर डाइजेशन एंड फैट लॉस। अजवाइन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। इसके अंदर जो ऑयल पाया जाता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ बनाता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो हमारे फैट लॉस में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। लास्ट इज गुड फॉर लेडीज। जितने भी हम लेडीज को प्रॉब्लम होती है जैसे कि पीरियड पेन में ये काफी ज्यादा रिलीफ देता है। इसके साथ साथ ये हमारे यूट्रस में ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है और ये अजवाइन जो है वो किसी भी तरीके के वजाइनल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अजवाइन हमारे लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। अजवाइन टी बनाने के लिए एक पैन में आपको 2 कप्स ऑफ वाटर लेना होगा। इसमें आपको 1 टेबल स्पून अजवाइन डालना होगा। अगर आप थोड़ा मीठा पसंद करते हैं तो अगर आपके पास पाम कैंडी या मिश्री है तो वो ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो 1.5 इंच टुकड़े जिंजर का भी ऐड कर सकते हैं। इसको आपको बॉयल करना है जब तक ये 1 कप रह जाए। 1 कप हो जाएगा उसके बाद आप थोड़ा सा ढक कर रख दें कम से कम 1 मिनट के लिए। उसके बाद ये पीने के लिए तैयार है। तो आप इसे छान कर सर्व करें। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर यस तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने के लिए प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। कोई भी फीडबैक हो या सजेशन हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।